तो फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एनएसपी यूएल दिल्ली रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें एमटीएस एलडीसी असिस्टेंट एडिटर की अदर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आवेदन करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, पर इन सब की बात करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, आपने अभी तक मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। साथ में आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। फ्रेंड बात करते हैं एनएसपी यूएल, जो कि हमारी दिल्ली रिक्रूटमेंट है, नेशनल काउंसिल आपका फॉर प्रमोशनल फॉर उर्दू लैंग्वेज की है। ठीक है, जिसमें आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट एडिटर, प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर की और रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपका फॉर्मेट के जो आपका आया 30 दिन के अंदर आपको आवेदन करना है, जो कि 28 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर आप दे सकते हैं, लास्ट डेट एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर करनी है, 28 सितंबर 2020। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की 4 पोस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क की 2 पोस्ट, असिस्टेंट एडिटर की 1, प्रिंसिपल आप पब्लिकेशन ऑफिसर की 1, रिसर्च ऑफिसर की 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। रिसर्च ऑफिसर में आपका एटलीस्ट 2 सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए, साइंस, आर्ट, एजुकेशन, कॉमर्स एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इन उर्दू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। मल्टी टास्किंग आपका 10वीं पास होना चाहिए, लोअर डिवीजन क्लर्क में 10वीं पास, टाइप राइटिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। असिस्टेंट एडिटर की मास्टर डिग्री इन उर्दू एंड इंग्लिश होना चाहिए, मस्ट हैव उर्दू सब्जेक्ट डिग्री लेवल इन केस ऑफ MA इंग्लिश एंड आपका इंग्लिश डिग्री लेवल इन केस ऑफ MA उर्दू, थियर एडिटिंग ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर की आप दे सकते हैं, यहाँ पर आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में के होना चाहिए। एज लिमिट PPO की 56, रिसर्च ऑफिसर की 40, असिस्टेंट एडिटर की 35, LDC की 18 से 27, मल्टी टास्क स्टाफ की 18 से 25 रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो प्रोसीजर MDC और अदर पोस्ट का आप दे सकते हैं, सिलेक्शन विल बी डन आपका होगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग राइटिंग टेस्ट पर, रिटिन टेस्ट पर। ठीक है, अब इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर चलते हैं, वहाँ पर हम नोटिफिकेशन पर हम जानकारी आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखते हैं, 500 रुपये रहेगी, ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आ रही है, सारी आप डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हैदराबाद आवर विल बी लाइबल ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो आपके लोकेशन भी बताई जा रही है, कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, पूरी इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफर आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक बार और दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आपकी जो पे मैट्रिक्स रहेगी जो PPO की यानी प्रिंसिपल पब्लिक ऑफिसर की देखते हैं 67 रहेगी, 2 लाख तक रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रिसर्च ऑफिसर की आपकी रहेगी, यहाँ पे आपको यहाँ पे उसकी डिटेल दे रखी है, एटलीस्ट आपको से अब जो मैं बता चुका हूँ मस्ट हैव टेकन है, आपका ये सब जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर की आप दे सकते हैं, एडिटर की आ रही है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क की आ रही है, यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है सबकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है वो जानकारी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप दे सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पोस्ट अप्लाई, आपको आपको इस तरीके से यहाँ पे आप देना है, इस वेबसाइट पे आना है, आपको फीस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं जो ST कैटेगरी थ्रू NEFT RTGS आप कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ दे रहा है एक्सिस बैंक का है, IFC कोड नंबर दे रखा है, विद इन 30 डे में आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं जो पूरी डिटेल है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपके एक पेज का हमारा नोटिफिकेशन है जो कि मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल आइकन दबा सकते हैं, वैकेंसी के जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।